शादी से पहले तो तुम्हारे बाप बहुत बड़ा बड़ा फांक रहे थे कि हमारे पास दो बंगले हैं, हमारे पास चार गाड़ियां हैं, 5 बीघा जमीन है, कि मेरा बेटा 50,000 कमाता है, दिल्ली में रहता है, नौकर चाकर लगे हैं घर में, अच्छी पोस्ट पे है, गाड़ी से आता है, गाड़ी से जाता है, तुम्हारी बेटी को बड़ी ऐस में रखेगा, हमारे घर पे एसी है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, सब है, कि तुम्हारी बेटी को आएगी और महारानी की तरह रहेगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आके पता लगा बेटा तो खेती बाड़ी करता है गाँव में, 5 ताले का मकान 1 ताले में हो गया, और वो भी घर पे छत भी नहीं है। रिश्तेदार आते हैं तो मुंह छुपा के हमें रहना पड़ता है कि उनके घर चले जाओ, उनके घर चले जाओ। पड़ोसियों के घर में रहते हैं हमारे रिश्तेदार, वो भी बारिश में स्विमिंग पूल बन जाता है, ऐसा लगता है हम नदी में हैं, तैर रहे हैं। और कह रहे थे आपकी बेटी आएगी तो एकदम महारानी की तरह रहेगी, यहाँ हम नौकरानी बन के रह गए हैं, अपना ध्यान तो हमसे रखा नहीं जा रहा है, लेकिन दूसरों का ध्यान एकदम परफेक्ट रखो, उनको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारे घर शिकायत पहुँच जाएगी। हाँ, जैसे कि घर तो अब मेरा है ना, वहाँ सब है ना।